राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी देशवासियों का स्वागत है। पॉचलेन परासर की खास रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे साथ पटना के मशहूर हस्ती मौजूद हैं जो पटना मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत को आजमाएंगे। चंद्र प्रकाश मणि जी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, वर्तमान में केंद्रीय सलाहकार श्रम विभाग का जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होता है उसके सदस्य हैं। हम मणि जी से समझते हैं कि अगर मणि जी या पटना के मेयर चुने जाते हैं तो आपका प्रमुख एजेंडा क्या क्या होंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएँ। हाँ, सर्वप्रथम प्रसाद साहब जी आपको नमस्ते करते हैं। अब आपके माध्यम से पूरे पटना शहर के मतदाताओं को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। आपने प्रश्न किया कि पटना के मतदाताओं को आप क्या देने वाले हैं अगर आपको मौका मिलता है। तब सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि पटना पॉल्यूटेड शहर हो गया है। पूरे देश के पैमाने पर इसकी गिनती 2, 4, 5 के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग प्रयास करेंगे ग्रीन पटना बनाने का। ग्रीन पटना के लिए सबसे पहल तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितना मैक्सिमम हो सकता है शहर में हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए हम लोग सब्सिडाइज रेट भी पब्लिक को मुहैया कराएंगे ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, पोल्यूशन कम हो। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे बिहार में जिस तरह से हम लोग महीना दिन गुजारा, और दिन में भी सुई की कटकट की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, पर्यावरण नहीं रहने के वजह से, साउंड पॉल्यूशन नहीं रहने के कारण, उस तरह से हम लोग शांति मैं यहाँ पटना को बनाना चाहते हैं। पटना शहर में बड़ी समस्या है, चूँकि राज्य की राजधानी है, गरीब राज्य है, यहाँ पर समुचित शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरीके से होनी चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग वार्ड क्लिनिक खोलेंगे हर एक मोहल्ले में, जिसमें सस्ते से सस्ते दर पर हम लोग उनकी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के तौर पर, जो इर्द गिर्द आपके रहने वाले चिकित्सा औषधीय पौधे हैं उनसे हम लोग चिकित्सा करके उनको कम लागत में स्वस्थ कराने का प्रयास करेंगे। मणि जी, आप पटना मेयर के रूप में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं, पटना का भ्रमण करते हैं। पटना में जो स्थिति है पटना शहर की, पटना के स्टेशन, पटना जो मुख्यमंत्री हाउस से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर चिड़ियाटर स्टेशन आता है, वहाँ का जो शौचालय व्यवस्था है, लोग रोड पे पैखाना करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उधर आप देखेंगे जखनपुर एरिया वगैरह को आप जाएंगे, शिक्षा का बहुत सकारात्मक जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं सब कमजोर दिखते हैं, वहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस पर आप जो नगर निगम का बड़ा प्रभाव होगा, आप मेयर पटना के चुने जाएंगे तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए सर्वप्रथम तो यह दायरा राज्य सरकार का बनता है, नगर निगम के दायरे में नहीं है। बट जो नगर निगम के दायरे में आएंगे उसमें हम लोग तकनीकी शिक्षा देंगे। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे शिक्षण संस्थान में प्रवेश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो 5 साल 10 साल के बाद जो निकलेंगे तो अपने योग्यता के हिसाब से अपने रोजगार अपने अपना को सृजन करेंगे, नौकरी के पीछे वो भागने का प्रयास नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है वो अभिशाप है, मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अभिशाप हमारे लिए है। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब रोजगार का सृजन भी अधिक होना है, तो हम लोग उसके तहत कार्य करेंगे, हर एक हाथ को कार्य देने का प्रयास करेंगे। आप कोरोना के समय जो 2 साल कोरोना का पिक था उसमें आपने देखा होगा डिजिटल शिक्षा, अगर पटना का मेयर आप चुने जाते हैं तो डिजिटल शिक्षा के रूप में आप पटना वासियों को क्या देंगे? डिजिटल पाठशाला हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चे लोग डिजिटल पाठशाला के माध्यम से, अब चूँकि हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गया है, कम समय में अधिक जानकारी लेना, तो वो उससे हम लोग तकनीकी दृष्टिकोण से उसको हम लोग सबल बनाने का प्रयास करेंगे। आप सुन रहे थे मणि जी को, चंद्र प्रकाश मणि जी को। अगर पटना के मेयर चुने जाते हैं तो सबसे पहले पटना को पर्यावरण मुक्त करेंगे, दूसरा इनका एजेंडा होगा पटना को टैक्स फ्री करना जो हाउस टैक्स लगते हैं, और तीसरा हर वार्ड में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे जो डिजिटली मजबूत बच्चों को करेंगे, जो हमारे बच्चे जो छोटे छोटे स्लम एरिया में रहते हैं उनको शिक्षा का प्रभाव नहीं दिख पाता है, प्रभाव नहीं ग्रहण कर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनके लिए डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे, सभी वार्ड में पटना के बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र पटना से।